मारवाड़ी मिट्टी आप देख रहे हैं। आज है 30 अक्टूबर 2023 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह की द्वितीय तिथि है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे बड़ी और आपके लिए बेहद काम की खबर के साथ। अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई काम है तो उसे निपटा ले, क्योंकि अगले महीने यानी नवम्बर में देश के अलग अलग हिस्सों में बैंकों में 15 दिन कामकाज नहीं होगा। नवम्बर में 2 शनिवार 4 रविवार के चलते टोटल 6 दिन बैंकों में साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। इसके अलावा त्योहारों के चलते अलग अलग हिस्सों में 9 दिन और बैंक बंद रहेंगे, यानी कि नवंबर के महीने में ज्यादातर दिन बैंक बंद रहेंगे। इसलिए इस दौरान में कोई भी जरूरी काम है तो निपटा ले, अगर चूक गए तो आपके काम अटक सकते हैं। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। भारत ने वर्ल्ड कप 2023 के 29वें मुकाबले में इंग्लैंड को 100 रन के अंतर से हरा दिया। ये वनडे वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया की लगातार 6ठी जीत है। और बड़ी बात ये भी है, टीम ने वर्ल्ड कप में 20 साल बाद इंग्लैंड को शिकस्त दी है। वैसे भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 9 विकेट पर 229 रन बनाए, छोटा स्कोर था, लेकिन जवाब में इंग्लैंड टीम मात्र 129 रनों पर ही ढेर हो गई। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन वह अचानक एक गांव में पहुंच गए। यहां वो किसानों के साथ हाथ में हंसिया लिए और सिर पर गमछा बांधे नजर आए। राहुल ने खेत में धान की कटाई भी की। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कांग्रेस सरकार के 5 सबसे बड़े बेहतरीन काम भी गिनाए। दरअसल चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल के नेता हर तरह के उपाय, जुगाड़ और तरीका अपना रहे हैं। राहुल गांधी का यह अंदाज भी इसी के तहत है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। इन दिनों प्याज के भाव ताव खाने लगे हैं, या यूं कहे प्याज का तड़का महंगा होने लगा है। बड़ी खबर यह है, सीकर कृषि उपज मंडी में पिछले 15 दिनों में प्याज के भाव लगभग दोगुने से भी ज्यादा हो चुके हैं। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि प्याज की आवक कम होने और बीते दिनों हुई बारिश के कारण प्याज खराब होने के चलते भी प्याज के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज से करीब 15 दिनों पहले कृषि मंडी में 15-20 रुपए किलो प्याज के भाव थे, जो आज करीब 50 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। और आगामी दिनों में त्योहार और शादियों का सीजन होने के चलते प्याज के भाव और भी बढ़ने की संभावना है। एक और बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक कांग्रेस और बीजेपी में शेष बची टिकटों के लिए मारामारी का दौर चल रहा है, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग की निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज 30 अक्टूबर यानी सोमवार से नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यानी कि चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के वे प्रत्याशी जिनको टिकट मिल गए हैं वह आज से पर्चा भरने की शुरुआत कर देंगे। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। दौसा से बड़ी खबर, जहां के विधायक ओम प्रकाश हुडला अपनी महुआ विधानसभा में वह अपने वोटर्स को रुपए बांट रहे हैं, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। एक वीडियो में देखा जा रहा है कि हुडला पानी लेकर जा रही एक लड़की को रुपए दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में हुडला एक महिला सफाई कर्मचारी को रुपए बांट रहे हैं। दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब प्रशासन भी हरकत में आया है और जल्द ही हुडला को इस मामले में नोटिस दिया जाएगा। हालांकि हुडला का इन वीडियो के लिए कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें आचार संहिता का उल्लंघन हो, लेकिन लोगों का आरोप है कि हुडला अपने वोटरों को लुभाने के लिए जतन करना शुरू कर दिया है। वहीं बड़ी खबर यह है, सांचौर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और मंत्री सुखाराम विश्नोई को भी नोट बांटने के मामले में निर्वाचन विभाग ने नोटिस दिया है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव को लेकर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। आरएलपी और आजाद समाज पार्टी अब मिलकर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आरएलपी के 5वें स्थापना दिवस समारोह पर आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने इसकी घोषणा की है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। जैसलमेर के लिए काफी अच्छी खबर है। जैसलमेर को 3 नए शहरों से सीधी हवाई सेवाओं से जोड़ा गया है। आपको बता दूं, इंडिगो 12 अक्टूबर से दिल्ली जैसलमेर हवाई सेवाओं में अपनी हवाई सेवा जैसलमेर को दे रहा है और अब 3 नए शहरों से हवाई सेवा शुरू करने के बाद इंडिगो 4 शहरों की सीधी हवाई सेवा देने लग जाएगा। हालांकि हवाई सेवाओं के रेट बढ़ गए हैं। फिलहाल मुंबई से जैसलमेर पहुंचने के लिए यात्री को 8500 रुपए, अहमदाबाद
अहमदाबाद से 5500 और जयपुर से जैसलमेर पहुंचने के लिए 3800 रुपए खर्च करने होंगे। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। जो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ था वह अब आगे बढ़ गया है। अब राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में तापमान में कोई विशेष उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन मुख्यतः मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में रविवार की शाम 2 ट्रेनें टकरा गई। हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई है जबकि 40 यात्री घायल है। रेलवे के मुताबिक विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन आगे जा रही थी, तभी पीछे से विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ने टक्कर मार दी। दोनों ट्रेनों की टक्कर से 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा मानवीय भूल की वजह से हुआ है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।